कल जो आपने डिस्कस किया था फाइनल काउंट के लिए जो डिस्कस की थी, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो जो कल आपने डिस्कस किया था फाइनल काउंट के लिए जो डिस्कस की थी, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज है ना, अब ऑनलाइन इसलिए करी जा रही है क्योंकि आपका भी टाइम कंज्यूम होता है जितना हो सकता अच्छे से, ठीक है। आप भी खाली ना बैठे रहे, सोच रहे हो कि भाई सही है, नॉर्मल हो गया, मजे हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा उस चीज को बैठ भी डालो, जितना हो सकता अच्छे से करो उस चीज को, ठीक है। अब अगर तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है तो कोई ना कोई चीज सोच की बोली है, तुम जितना साथ दोगे उतना ठीक रहेगा, ठीक है। और YouTube पे भी ये चीज अपलोड होगी धीरे धीरे, सब चीज हो रही है, ठीक है। उन चीजों को आप सब्सक्राइब भी करना, आपको बता दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो कल आपने क्या किया था, फाइनल अकाउंट के अंदर हमने कुछ एक थ्योरी डिस्कस की थी, जिसके अंदर क्या था, ट्रेडिंग था, पीएनएल था, और एक था हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। आज उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लगता है तो आप क्वेरी कर सकते हो, वो चीज क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी एक क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए, तो इसके अंदर में सबसे पहले क्या बना हुआ, ट्रेडिंग का बना हुआ, सबसे पहले ट्रेडिंग का, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले यहां क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अमाउंट, फिर हम क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर, फिर हम क्या लिखते हैं, अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए लाइन नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या मेंशन किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक मेंशन किया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 25,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें परचेज लिखते हैं। अब परचेज के अमाउंट हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या लिखा है, परचेज लिखा है, तो परचेज में शॉर्ट फॉर्म में पी यू आर लिखा, ठीक है। एक तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, परचेज के अमाउंट की करें, तो इसके अंदर जो परचेज की अमाउंट है वो मेरे पास है 5250, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तुम्हें क्या करना है, तो परचेज रिटर्न माइनस कर लें, तब जाके अपने को यहाँ फाइनल अमाउंट लिखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो परचेज रिटर्न की अमाउंट है वो कितना है, 230, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा कितना, 5020 बचेगा। ये हमारे पास एक फाइनल अमाउंट आ चुकी है, क्योंकि परचेज के फाइनल अमाउंट नहीं लिखेंगे, अपने को क्या करना है, परचेज के अमाउंट लिखे, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके तब आप लोग क्या लिखेंगे, फाइनल। ये तो उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। बट जो बीकॉम का शेड्यूल चल रहा है, ट्रेडिंग के नीचे क्या बना रहे हैं, पेंडल बना रहे हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो, अलग से बना के भी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब जितने भी आपके इस कोई भी क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कौन कौन से। तो अब अपने को वहां क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन कर देना, ठीक है। तो अब अपने को यहां डायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करेंगे, तो टू ईआर आपको लिखना है, क्या टू ही लिखना है, तो इसके अंदर मैं ये कहता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से है। सबसे पहले हमारे पास वेजेस, अब आप यहाँ पर अमाउंट लिख के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, और इसके अंदर को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल के लिए लाइन लगा सकता हूँ, वो भी टू लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखा है, बाय सेल्स, तो सेल्स के अमाउंट यहाँ लिखे ही यहाँ लिखे, क्योंकि इसमें से हम क्या करना है, सेल्स रिटर्न माइनस करना आपको, ठीक है। बाय फिर भी आपको लिखना ही पड़ेगा इसमें, तो सेल्स मार्जिन हमारे पास
25,300, इसमें से रिटर्न कितनी होगी हमारे पास 150, तो हमारे पास रहेगी कितनी 25,150 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक सी एस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 3000, ये मैंने इसमें 3000 क्लोजिंग स्टॉक, इसमें सर ये तीन लिखा जाता है कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे। अब एक बात याद रख लेना आप अच्छे से, एक मिनट, जो इस ओपनिंग स्टॉक है वो 3500 है, गलती से लिखा गया, ठीक है। तो इसके अंदर एक बात याद रख लेना, पहले ना दो प्रमोशन का टोटल करके देख लेना। अब जैसे इसका टोटल क्या है, 25,000 थे, 28,000 बन रहा है, बट इसमें लग रहा है ऐसी कोई अमाउंट जा सकती है, नहीं जा सकती, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले एक साइड टोटल करके देख लेना। कई बार क्या होता है, आपने जैसे इसका टोटल करके यहाँ लिख दिया, क्या होता है इससे ज्यादा क्या आप कटिंग करोगे, तो पहले दो साइड का टोटल करके देख लेना, ठीक है। तो इसका जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 28,150 बनेगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, 28,150, क्योंकि इसके अंदर टोटल बनेगा 5,383,11, तो 11,520। तो जो इसका टोटल बना है कितना बना है, 11,520, बट डिसाइड करने का था 28,150 था, तो इसमें से हम ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है 16,630, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पर ट्रेडिंग बनाते हैं तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ क्या आता है, ग्रॉस लॉस आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कितना है, 16,630 आ गया। अब इसका जो टोटल बनना था कितना था, 10,520, इसमें 16,630 करोगे तो कितना बनेगा, 2,850 ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें मैं देख लेता हूँ, इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है नोट्स के अंदर वो भी कितना आपका 16,630, तो ये बात मैंने ठीक करी आपको, ठीक है। हमें इस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको बुला रहा हूँ, इसमें नीचे आंसर दिया हुआ है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो नीचे आंसर मिल गया होता, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग सेट करना पड़ेगा, तुम्हारा भी गलत तो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं इसमें, उसके बाद नॉन लिख लेना, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर आएगा और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिख लेना, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, पी एंड एल बनाना है। अब अपने यहाँ पे आया क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, तो पी एंड एल के अंदर हमारा राइट साइड में क्या लिखा जाता है, इनडायरेक्ट इनकम, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे टू और यहाँ पे क्या आएगा, बाय आएगा, ठीक है। तो अगर हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो हम कौन सी तरफ लिखेंगे, इनकम की तरफ, अगर हमारा लॉस होता तो किसकी तरफ लिखते हैं, पर एक्सपेंस की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं, कितना है, 16,630, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस देख लो कौन कौन सी, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं इसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस वो कितना है, 375, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्काउंट लगाऊ, डिस्काउंट लगाऊ ये है 75। उसके बाद है डिस्काउंट सीआर, तो डिस्काउंट सीआर का मतलब क्या होता है, रिसीव हो रहा है डिस्काउंट पेमेंट, ठीक है। अगर ये मैं लिखाऊ डिस्काउंट रिसीव, तो आपको क्या लिखाऊंगे, डिस्काउंट सीआर लिखाऊंगे, वो हमारे लिए 350, तो मैं यहाँ 350 लिख रहा हूँ इनकम में, ठीक है। उसके बाद है रेंट रिसीव, ये भी हमारी क्या है, इनकम है, क्योंकि रेंट रिसीव होता है तो हमारी इनकम है, वो कितनी है, 300। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, तो हमें क्या लिखेंगे, ऑफिस एक्सपेंस वो है हमारा 820। उसके बाद है रिपेयर, तो हमें क्या है, रिपेयर
बात है आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने बिजनेस में कहीं पैसे लगा रखे हैं, इन्वेस्ट किया है कहीं किसी बिजनेस में, तो वो आपको क्या दे रहा है? एक इंटरेस्ट और साथ में देगा, मतलब एक एक्स्ट्रा पैसा कमा के देगा। अगर आपने 5 लाख लगा रखे तो 5 लाख तो मिलेंगे क्या? तो उसके 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख या 2 लाख एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो मान लीजिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 380। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन लेना क्या है उसके ऊपर हमें क्या दिया था? डायरेक्ट इंटरेस्ट। तो हमारा क्या है? एक्सपेंस है कितना? 125। उसके बाद इसमें टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस 12। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, उसके बाद है सैलरी 8,000। उसके बाद है कमीशन 140। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया सर। अब आपको क्या करना है? सेम उसी तरह दोनों साइड का क्या करना है? आपको टोटल करना है। ठीक है, दोनों साइड का हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो अब जैसे इसमें मान लो 16,000 है, ठीक है, इसमें 300, इसमें इतना टोटल जाएगा नहीं, तो नॉर्मल सी बात है उसका टोटल ज्यादा ही है। ठीक है, तो आप इसका टोटल कर सकते हो यहाँ पे 16,17,607। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 17,607। अब आपको क्या करना है? इसका टोटल करना है। तो जैसे आप टोटल, तो आपको इसका क्या करना है? टोटल करना है। तो आप जैसे इसका टोटल कर लोगे तो इसका टोटल क्या आएगा? इस टोटल से कम आएगा। तो जैसे नेट प्रॉफिट, तो इसके अलावा नेट प्रॉफिट क्या करेंगे?
इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो दिया हुआ इसमें ब्रैकेट में सी आर 4500, ठीक है। बस ये ठीक है, इसका टोटल करना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, एसेट्स बता रहे हैं। तो एसेट्स सबसे पहले लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर कितना है इसमें 750। उसके बाद है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितनी है इसमें 7500। उसके बाद आपके पास है इसमें लिखा हुआ मशीन, उसके बाद लिखा हुआ इसमें इन्वेस्टमेंट, तो मशीनरी का अमाउंट है 6500 है और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 2500 है। उसके बाद डेट है हमारा, ये भी हमारे लिए क्या क्रेडिट कर रहा है, ठीक है 4000 हमारे पास है सेट हो जाए। उसके बाद ऑप्शन है इसके अंदर कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड के अंदर जो अमाउंट है वो 650 है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा बैंक बैलेंस, वो कितना है इसमें 6000 है। और सबसे लास्ट में क्या ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारे पास है 3000। और इन दोनों का क्या करना आपको टोटल करना है, तो जैसे हम क्या करेंगे इन दोनों का टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद आपको क्या होगा, अगर दोनों साइड का इक्वल आ रहा है तो हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन भी आपका ठीक है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं और एक हम क्या करते हैं ट्रेडिंग के अकाउंट में राइट साइड में मेंशन करते हैं, जो कि आपका इसमें किया होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग और भी लेंगे पढ़ने के लिए नोट्स के अंदर, तो ज्यादा तो नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि हमारा कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं उठा के ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट में लिख देते हैं, डायरेक्ट वाले डायरेक्ट में लिख देते हैं, ठीक है। जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी ना तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब जैसे नॉर्मल का हमारे क्वेश्चन क्या क्या टाइम लगे, क्योंकि अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है जैसे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो फिर देख करोगे इनका काम क्वेश्चन करवा के रखते, तो मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी कर लिया, तो ऐसे और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट आपको जब तक ये चीजें मेंशन नहीं होगी कि कौन सा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा कौन सी हमारी डायरेक्ट इनकम है, कौन सी हमारी लायबिलिटी है, कौन सी हमारी करंट लायबिलिटी है, फिक्स लायबिलिटी है, या कौन सी हमारी एसेट्स मतलब करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे चीजों को मेंशन कर पाएंगे। उससे पहले इसके बाद आपको क्या याद रखना होता है, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग के समय क्या करते हैं, जिसमें भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो मेंशन करते हैं, और पी एंड एल के अंदर क्या होता है, जिसमें भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम होती है वो मेंशन करी जाती है। और बैलेंस शीट के अंदर हमारे क्या मेंशन करते हैं, लायबिलिटी मेंशन करते हैं, असेट्स क्या मेंशन करते हैं, असेट्स मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें वो डाउट है तो देख लो।
ठीक है, ये क्वेश्चन करो कोई दिक्कत नहीं है। आज इतना।